नमस्कार दोस्तों, सरिता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पटल का चोखा बना रहे हैं। देखिए, चार पांच पटल लिए हैं, इसे परवल भी बोला जाता है। इसे देखिए, ऊपर से थोड़ा हल्का सा ऊपर का परत को छील लिए हैं और दोनों तरफ से कट कर लिए हैं और बीच से भी कट कर लिए हैं। इसको कट करने से क्या होता है कि जल्दी पकेगा। इसे आज हम दाल में ही डाल दे रहे हैं। आप अलग से भी पका सकते हैं, लेकिन इसे हम दाल में डाल रहे हैं। देखिए, दाल में डाल दिए हैं और इसे हम ढक्कन लगाकर 2 से 3 सीटी लो मीडियम फ्लेम पर लगाएंगे। देखिए, पटल का चोखा में डालने के लिए 3 हरी मिर्च लिए हैं, 1 प्याज लिए हैं और 4-5 लहसुन की कलियां लिए हैं। देखिए, 2 से 3 सीटी दे दिया। अब इसे हम बंद कर दिए हैं, इसे हम ठंडा होने देंगे। तब तक हम देखिए लहसुन, मिर्च, धनिया पत्ता और प्याज को सभी को महीन महीन काट लिए हैं। देखिए, पटल ठंडा हो गया है। अब इसे हम हाथों की सहायता से महीन महीन इसको मिला देंगे, महीन कर देंगे। इसमें हम 1/4 चम्मच नमक डाले हैं, अरे प्याज, लहसुन, धनिया पत्ता और मिर्च सभी को हम डाल देंगे और 1 चम्मच तेल भी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम सभी को मिक्स कर देंगे। दोस्तों, आप सब्जी तो बहुत बार खाए होंगे, लेकिन एक बार आप पटल का चोखा भी बनाकर खाइएगा। आप अगर आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगले रेसिपी में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। देखिए।